नमस्ते। विश्व के इतिहास में अब ये पहली बार सिद्ध हुआ है कि बहरापन और कान के रोग असाध्य नहीं है। इसके लिए कोई विशेष सर्जरी, ऑपरेशन या कुछ काट छांट की आवश्यकता नहीं है या रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं है। इम्प्लांटेशन जैसे बहुत ही खतरनाक और महंगे प्रयोग की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरे मूंगों को मूक लैंग्वेज से मुक्ति मिलेगी और वो अपना सामान्य जीवन जी सकेंगे। जितना जल्दी हो सके बालक को बहरेपन से मुक्त होने के लिए इस माइक्रोफाइन ट्रीटमेंट का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वो धीरे धीरे अपनी सुनने की क्षमताओं को बढ़ा सके और वाणी का प्रयोग करना सीखे। सुनी हुई चीज को सुन के जवाब देने का मतलब सुनना होता है। जो बात मस्तिष्क में जाएगी उसी को वो बोल सकेगा, तो मस्तिष्क में कान के द्वारा ही जा सकेगी, चेतातंतु में जाएगी और मेमोरी डेवलप होगी, तब वोकल बोलेगा। कंठकूप को बोलने का अधिकार केवल मस्तिष्क के मेडुला को ही है। मस्तिष्क के द्वारा जो विशेष ऑर्डर मिल रहे हैं उसी के द्वारा व्यक्ति बोलता है और प्रतिक्रियाएं करता है। ध्यान रहे कि कान एक अनमोल धरोहर है। मनुष्य जाति के लिए कान का प्रयोग उसकी पूरी की पूरी मनुष्य होने की और उसका सदुपयोग करने की खास कुंजी है। कान के द्वारा मन और तन को शुद्ध किया जा सकता है। कान के द्वारा अपने विचारों को दूसरों को संप्रेषित कर सकते हैं। कान के द्वारा कान में सुनेगा वाणी के द्वारा, कान मतलब वाणी, सुनी हुई चीज को सुन के जवाब देने का मतलब ही सुनना होता है। जो लोग सुन रहे हैं उन्हें विशेष तरह की तकलीफ नहीं होती है, पर जो सुन नहीं पा रहे हैं उनकी कठिनाइयों का अंदाजा नहीं लगा सकती। दो तरह का बहरापन है, एक में जन्म का बहरापन है, कम सुनने की बातें हैं, दूसरे में उम्र के साथ में बहरापन आता है और तीसरे में विशेष कारणों से सुनने की क्षमताएं टूटती जाती है या बहरापन आता है या बिल्कुल बंद हो जाती हैं। इसमें सबसे खतरनाक एक रंगा है। एक कान बंद होने से जो मानसिक तकलीफें होती है बहुत ही खतरनाक होती है, और दोनों कान बंद होने से तकलीफ तो होती है पर उतनी नहीं होती है जितना एक कान बंद होने से होती है। कान तो कोई भी बंद हो तकलीफ का काम है। नसें सूख जाने से आए हुआ कान का तमाम प्रकार का बहरापन बिना मशीन बिना ऑपरेशन के मिटा करके सुनने की क्षमताओं को बढ़ाने का मेरा यह अद्भुत रिसर्च मेडिसिन माइक्रोफाइन ट्रीटमेंट अनुशुद्ध चिकित्सा पद्धति बहुत ही सफल हुई है। मैंने इसका पेटेंट प्राप्त किया है, ट्रेडमार्क लिया है। इसलिए लिया है, पेटेंट इसलिए करवाया है कि ताकि लोग इसके साथ में छेड़खानी करके झूठा दावा न करें और केस को बिगाड़े नहीं। 50 वर्षों के इस अथाह परिश्रम से ये चीज़ें सामने आई है कि सुनने से ज़्यादा सुन करके समझना कान को यूजर फ्रेंडली बनाना है। कान मनुष्य जाति की, मैं बार बार कहता हूँ, अनमोल धरोहर है।
जब से मनुष्य पैदा हुआ है तब से कान के बारे में किसी किसी को बहुत सी समस्याएं रही है, किसी किसी को नहीं रही है। सुनिए फिर से एक बार ध्यान से कि जब कान ठीक होता है तो मालूम नहीं पड़ता है, पर कान में थोड़ी सी तकलीफ होती है, वैक्स का बदलाव आता है, पानी बहने लगता है, सड़ान हो जाती है, गंदगी हो जाती है, या कुछ ऐसा होता है जिससे कान का संतुलन बिगड़ जाता है, तब मनुष्य बड़ी कठिनाई में पड़ जाता है। सभी प्राणियों में कान के जो मनुष्य का कान है बहुत ही अनमोल है, क्योंकि मनुष्य ने वाणी का प्रयोग सीखा है, वाणी का विकास किया है, भाषा का विकास किया है। अन्य प्राणियों को भाषा का विकास नहीं होने से वो बड़े कष्ट में है। कल्पना करें कि शेर को यदि हमारी भाषा बोलना आ जाए तो क्या कहेगा, कौवों को यदि हमारी मनुष्यों की भाषा बोलनी आ जाए तो क्या कहेगा। रामायण काल में भगवान श्री राम ने वानरों को वाचा दी थी, शक्ति दी थी, मनुष्यों के जैसे प्रयोग करवाए थे और वो युद्ध में शामिल हुए और राम जी को विजय प्राप्त करवाई थी। मैं विषय की ओर जा रहा हूँ। ध्यान रहे कि सभी प्राणियों को मनुष्य के साथ में बात करने की क्षमता प्राप्त हो जाए तो क्या ही बड़ा विचित्र तरह का अनुभव होगा। विचित्र तरह का नहीं होगा, पर मनुष्य जाति का बहुत ही जबरदस्त अभ्युदय होगा। मनुष्य को सभी प्राणियों से मैत्री करने का अवसर मिलेगा, उनकी शक्तियों का प्रयोग करने का अनुभव मिलेगा, उनके द्वारा जो हो रहे हैं विशेष प्रकार के प्रयोग संसार के लिए वो मनुष्य काम में ले सकेगा। कुछ काम हो रहे हैं वैज्ञानिक क्षेत्र में, पर एक क्षेत्र में बहुत कम काम हुए हैं। मेरे पास में अभी मैं साउथ गया था तो वहाँ पर मेरे पास में एक मिलिट्री के नौजवान को एक कला थी, वो किसी भी प्राणी की भाषा बोल करके उन्हें बुला लेता था। कौवों को बुलाना तो उसके लिए मामूली बात था, मोर सभी प्रकार के पक्षी आ जाते थे। मैंने कहा सर इसके आगे आपने कुछ सीखा है? बोले सीखना चाहिए था, मैंने नहीं सीखा है, भाषा सीख जाओ, मोर के साथ में बात करना सीख जाओ तो मोर अपनी बात बता पाएगा कि क्या बात है। ठीक वैसे ही जैसे मोर को आप भाषा नहीं सिखा सकते तो आपको कठिनाई होती है, पर मोर की साइन लैंग्वेज सीख लेते हैं, तो मनुष्य ने बहरे मूंगों के लिए भी थोड़े बहुत ऐसे प्रयोग कर लिए हैं जिससे वो खुश हो रहा है। मैं ये कहता हूँ कि यदि किसी भी बालक को आपने सुनवाया है तो उसको भाषा सिखाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग जब सुन रहे थे तब कान ठीक थे तो जन्म से आपने सभी शब्दों का जाल सीखा था, परंतु जो बेचारे नहीं सुन रहे थे उनको शब्दों का जाल नहीं होने से बड़ी कठिनाई हो रही है। इसलिए हे मनुष्यों, हे प्राणियों, हे करुणा के अवतारों, मनुष्य सभी लोग जो लोग नहीं सुनते हैं उनके ऊपर करुणा और प्रेम रखें, नहीं सुनने वालों को अपशब्द न कहें, बार बार उन्हें नहीं पूछें। बहरापन कोई रोग नहीं है, वो एक सिस्टम है, मनुष्य के सिस्टम में परिवर्तन आया है इसलिए वो नहीं सुन रहा है। उसके सिस्टम को ठीक किया जाए तो बहुत बढ़िया से सुन सकेगा। सुनना, बोलना और बढ़िया बोलना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। जो वक्ता बहुत बढ़िया बोलते हैं, अपनी बात बताते हैं, वो बहुत ही अच्छे इंसान कहे जाते हैं। जिनकी भाषा में मधुरता हो, वाणी में करुणा हो, वो सबका मन जीत लेते हैं। जो गालियां निकाल के अभद्र भाषण करते हैं उनका संसार अपमान करता है, उनको निष्कासित कर देता है। विश्व में सम्मान करुणा और प्रेम से बोलने वालों का होता है। केवल मनुष्य का स्वभाव ऐसा है जिसको प्यार चाहिए, करुणा चाहिए, इज्जत चाहिए, स्नेह संपदा चाहिए। वो बात में सत्यता पसंद करता है, कहने के लिए दंभ बढ़ता है मैं सत्य बोलता हूँ, पर बात फिर से आ जाती है कि वाणी का मतलब केवल भाषा नहीं है,
मधुर बोलना, मधुर व्यवहार करना, मधुर संबंध रखना, वो सब मनुष्य जाति के लिए बहुत संभव है। मैं आप लोगों को आह्वान करता हूँ कि हे मित्रों, मेरा सहयोग करिए। मैं विश्व से कान के संबंधी सभी प्रकार के रोगों का उन्मूलन कर दूंगा और बहरापन मिटा दूंगा। आइए हम सब मिलकर के इस बड़े कार्य को बहुत छोटे से प्रयोग से संसार को गिफ्ट दे दें, ऐसा उपहार दें कि आने वाले युग में कोई बहरे पैदा ना हो। यदि हो भी जाएं तो उनको सुनने की क्षमताएं बढ़ा के दें, उनको संसार में काम में लाने की जैसे करके दें। हे मेरे मित्रों, मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे जैसे 300 करोड़ लोग हैं, अरबों की संख्या है संसार में। हम सब मिलके यदि ऐसा कार्य करेंगे तो बहरापन का उन्मूलन होना मामूली सी बात है। हे मित्रों, कोई भी प्रयोग कभी भी सत्यता और निष्ठापूर्वक किया जाए और उसमें सहयोग प्रदान किया जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हमारे पास में आपको देख के आश्चर्य होगा कि बहरापन हम लोग मात्र 1 घंटे में मिटाते हैं। ट्रीटमेंट के प्रथम चरण के प्रथम तबक्के में पेशेंट सुनने लगता है और सुन करके अपनी क्षमताओं बढ़ाने की ट्रेनिंग भी लेके जाता है। सुनी हुई चीज को सुन के जवाब दे करके वो अपना धन्यता का अनुभव कर रहा है। बहरापन संसार का कोई विशेष रोग नहीं मानता हूं। फिर से सुनिए, बहरापन कोई रोग नहीं है, घबराए नहीं। मेडिकल लाइन में भले कहते हो कि इस जन्म में नहीं सुन पाएगा, नसें सूख गई है, नसें कभी सुनती ही सूखती भी नहीं है। यदि सूख जाती तो हमारी दवाई से 1 घंटे में व्यक्ति कैसे सुनने लगता। कोई भी केस फेल नहीं होता है मित्रों, ध्यान रहे। सुनने के लिए काफी है कान, और कान का पर्दा जिम्मेवार ज्यादा है, फिल्टर है। कान कोई होल नहीं है, गटर नहीं है। कान में छेद हो गया है, ऐसी भाषा बोलना मनुष्य का अपमान करना है। कान में छिद्र केवल बड़े होते हैं और छिद्रों का वापिस स्थिति स्थापकता वापिस ठीक करने से वो वापिस ठीक हो जाते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मनुष्य के पास में ऐसी शक्ति है जो अपने शरीर की स्थिति स्थापकता बढ़ा सकता है, लचीलापन बढ़ा सकता है, घटा सकता है। हमारे यहाँ पर एक दवाई है, उसका नाम है कैल्केरिया फ्लोर बायोकेमिक के अंदर। ऐसी अनेक दवाइयाँ हैं जो स्थिति स्थापकताओं का निर्माण कर सकती है, ऐसी टिश्यूज शरीर में बना सकती है। फिशर और फिशर वाला के लिए, कान के पर्दों के लिए अनमोल है। मैंने नाम इसलिए बताया है कि जो वैज्ञानिक इस ओर कार्य करना चाहते हैं वो प्रयोग बढ़िया से बढ़िया करें, शालीनता से करें। कोई मेरे प्रति जादू न समझे और अतिशयोक्ति न समझे। मैं कोई जादू नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल कार्य कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, और सेवा से मुझे प्राप्त हो रहा है, पढ़ने से प्राप्त हो रहा है। मेरे पीछे जिन भाइयों ने, जिन डॉक्टरों ने दवाइयाँ तैयार की थी, उन्होंने स्थिति स्थापकता की दवाई फिशर फिशवला शरीर के टिश्यूज ट्यूमर के लिए की थी। मैंने जब कान के ऊपर प्रयोग किया तो मालूम पड़ा कि कान के पर्दों का निर्माण बढ़िया से हो सकता है। कान के दर्द आराम से कुछ ही बार में मिटाए जा सकते हैं। कान का दर्द मिटाना, कान में सुनता हुआ करना, कान की रस्सी मिटाना, पर सहयोग दे। जो मेरे साथ में सहयोगपूर्ण व्यवहार करके मेरी ट्रीटमेंट लेते हैं वो उस रोग से मुक्त हो जाते हैं। जो बीच में चले जाते हैं, डर जाते हैं, मेडिकल लाइन में घुस जाते हैं, उपयोग बदल देते हैं और ये कहते हैं कि सर मैं तो उस समय अच्छा था, अभी मेरे को कम हुआ, मैंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कह दिया इस जन्म में नहीं सुन पाएगा और मैं निराश हो गया हूँ, उनसे मैं फिर से आह्वान करता हूँ, हे मित्रों डरे नहीं, हम आपके साथ हैं। जब तक आप ठीक नहीं होंगे तब तक आपकी दवाइयाँ ट्रीटमेंट सब कुछ की जाएगी और निर्मूल्य की जाएगी। मित्रों, एक बार के रजिस्ट्रेशन से 44,000 रुपये भरने से आपको आजीवन पूरी सहायता मिलेगी। अब उसमें भी कटौती कर दी गई है, 44,000 के बदले में मित्र 21,500 में अपने जीवन भर का रजिस्ट्रेशन ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आप बीच बीच में छोड़े नहीं, प्रयोग पूरा करें, ट्रीटमेंट पूरी करें,
समझें कि किस गंभीर विषय पर काम कर रहे हैं। इतने गंभीर सब्जेक्ट में इतना आलस क्यों, डर क्यों रहे हैं? मैं कोई ऑपरेशन नहीं करूंगा, सर्जरी नहीं करूंगा, कान छाट नहीं करूंगा, कान को छेड़ूंगा नहीं, कान के अड़ूंगा नहीं। हमारी पूरी टीम है, ये सारा कार्य एक्सपर्ट डॉक्टरों के सुपरविजन में हो रहा है। ट्रेनर है इसकी, प्रोजेक्ट रिपोर्टर है, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, पूरी रिपोर्ट बनाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सत्यता का अनुभव करवाते हैं और पूछते हैं क्यों भैया आपको कैसा लग रहा है, तब जाने देते हैं। मित्रों आज के लिए इतना ही, प्रणाम।